भाई यार आज हम लोग जा रहे हैं सूर्य कटार मंदिर। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां। देखो आप लोगों को मंदिर के बारे में बताऊं तो ये मंदिर 19वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसमें सूर्य की किरणें पड़ती है, यहाँ से जो किरणें पड़ती है ना वो सीधे आती है वहाँ पे जहाँ पे दिया जला होता है ना मेन। बट आज हमारे ब्लॉग में आ रखी है खुशिद्दी लखनऊ से कि ये मंदिर एक रात में ही बना था। हमारे ब्लॉग में सुंदर सुंदर लोग हैं जैसे कि मैं। अगर आप लोगों को किसी को जाना है ना तो बहुत अच्छी जगह भाई, वहाँ जा सकते हो आप लोग। मजबूर जैसा सो हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस एक और व्लॉग में। एंड यार आज की व्लॉग की शुरुआत हमारे सोमेश्वर से हो रही है घर से। बट आज हमारे व्लॉग में आ रखी है खुशिद्दी लखनऊ से, तो हमको जिम्मेदारी दे रखी है घर वालों ने कि इनको घुमा के लेके आना है, क्योंकि जब लखनऊ जाता हूँ तो उस टाइम पे ये घुमाते हैं यहाँ आ रखे हैं। तो मेरा फर्ज बोलते हैं ना, फर्ज बनता है कि इनको घुमाने लेके जाओ। और अभी छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके हैं हमारे गाँव के। मुस्सु एक हमारी लड़की ये है, हेलो बोल दे। ठीक है इनको सिद्धू भाई तू भी इधर ठीक है भाई बता ठीक है तू तो फेमस है ऐसी है ना भाई। यार आज हम लोग जा रहे हैं सूर्य कटार मंदिर, क्योंकि दीदी कह रही थी कि मंदिर जाना है, तो हम लोग बोला ठीक है चलते हैं, है नी। और फिर जब मैं लखनऊ आऊंगा फिर अच्छी जगह लेके जाऊंगी पक्का। हम ऐसे बहुत जल्दी जा रहे थे बट बारिश आ गई खतरनाक की, तो अभी मौसम भी ऐसी हो रहा है बट बारिश खत्म हो चुकी है। तो तब हमने बोला कि यार फटाफट निकलते हैं, तो फटाफट चलते हैं यार सूर्य कटार मंदिर दी के साथ। चलो खींचो। ऐसे रास्तों में जिंदगी जाना पड़ता है, ऐसे रास्तों में, और मुझे डर लगता है गाइस, इसलिए मैं ये रास्तों पर चल के जाऊंगी रोड तक। तो देखो हमको ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है देखो, क्योंकि बहुत पतली है ना। तुम बैठ रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं चले फिर फटाफट चलते हैं। तो यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सूर्य कटार मंदिर के लिए, क्योंकि यहाँ से 35 या 40 किलोमीटर तक होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुशिद्दी को वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आप गए हो ऐसे वहाँ पे? नहीं गए हो? बहुत अच्छा मंदिर है, थोड़ा वही आती है हमारे केदारनाथ वाले, हाँ मौसम से आती है भाई। और बारिश के बाद देखो मौसम तो क्या ही लगता है यार, ये देखो मस्त हो रहा है ना। ये वाले ब्लॉग से पहले प्लान बन रहा था कि 50 के स्पेशल वाला हम ब्लॉग बनाएंगे, बट बारिश के चक्कर में हम ब्लॉग नहीं बना पाए। बहुत बारिश आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, बाकी बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, क्योंकि हमारे ब्लॉग में सुंदर सुंदर लोग हैं जैसे कि मैं। तो यार फटाफट चलते हैं सूर्य कटार मंदिर, तब तक आप लोग देखो म्यूजिक के साथ सिनेमा। यार हम लोग पहुंच चुके हैं कटारमल, क्योंकि यहाँ से 0 किलोमीटर दिखा रहा है। बाकी देखो जगह इतनी प्यारी लग रही है यार, है अच्छा लग रहा है ना, अच्छी जगह लेके आता हूँ भाई मैं। हमको ये थोड़ा जगह ना एस्थेटिक जैसी लगी, एस्थेटिक। तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक दो फोटोज और वीडियोज बना लेते हैं, तो बहुत प्यारी बनी है यहाँ पे। बाकी तो कटारमल पहुंच चुके हैं हम, 0 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। आग आग लगी थी ना, तो आग लगने के बाद देखो कैसा हो रखा है यहाँ को, बट फिर भी प्यारा लग रहा भाई है, बिकॉज उत्तराखंड है गाइस पहाड़। तो गाइस फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि मंदिर वो ऊपर रहा देखो हल्का सा दिख रहा होगा। चलो देखो सूर्य कटार सूर्य मंदिर के लिए पूरा इतिहास इसे भी लिखा है देखो। तो यार मंदिर में हम जा रहे हैं अब, मुझे देखो कितना प्यारा है भाई यहाँ को। तो अभी क्या मतलब मंदिर थोड़ा सा दूर है, बट उन्होंने रास्ता बहुत प्यारा बना रखा है। बट यहाँ भाई बहुत तगड़ी वाली धूप लग रही है, सोमेश्वर में तो बारिश लगी थी तब हम निकल नहीं पाए थे। यहाँ पे बहुत बहुत तेज धूप है गाइस, एकदम खतरनाक वाली धूप है, समझ रहे हो भयंकर वाली। बाकी ये मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये मंदिर एक रात में ही बना था, मतलब एक ही दिन में बनाया गया था। वो मंदिर भी देखना डर भी लग रही है, बट एक एक दिन में ही बनाया गया था ये मंदिर। भाई मंदिर से डर लग रही भाई,
कुछ यहाँ आने से पता चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ से ज्यादा फिजिकल हेल्थ खराब है। बहुत खराब, बहुत ज्यादा। आँख भी नहीं खुलती मेरी धूप में। तो देखो यहाँ पे करते हैं दर्शन। क्या बनाओ? वीडियो तो बन रही है वही। क्या और यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती है, पता है आपको? मतलब कहाँ पे? यहाँ से, जैसे कि पकड़े इसको, आपको चीज बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। जो ये देखो, ये ना, ये होल, इसमें सूर्य की किरणें पड़ती है। यहाँ से जो किरणें पड़ती है ना, वो सीधे आती है वहाँ पे, जहाँ पे दिया जला होता है ना मेन, वही दिया पे दिखता है वो सीधे, यहाँ से वहाँ तक। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है, तो मैं तब बता रहा हूँ। बट भाई मंदिर में आके ना जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। भाई ये फटाफट दर्शन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चल दर्शन भी करके आ चुके हैं, बस बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रखा हूँ ना। और बार तुम कहीं ना कहीं जा रहे थे, पर बहुत टाइम हो गया था मैं मंदिर पे नहीं गया था। बाकी आप लोग देखो यहाँ की थोड़ा बहुत म्यूजिक के साथ सिनेमैटिक। देखो आप लोगों को मंदिर के बारे में बताऊं, तो ये मंदिर 19वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये देखो भाई पूरा जिंदा ये दिख रहा है ना, ये पूरा एक रात में बना है। बहुत बड़ा मंदिर है। अब सोचो कि भाई एक रात में कैसे बन सकता है ये मंदिर। तो 19वीं शताब्दी में बना था, 1958 पे घोषित किया गया था इस मंदिर को। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम कत्यूरी राजा था, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। भाई उत्तराखंड में ना मंदिरों के बहुत खतरनाक ये कहानियाँ होती है। एंड देखो उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास कुछ ज़्यादा ही, तभी हर जगह मंदिर बनाया जाता है। हर रास्ते में आप लोगों को उत्तराखंड में मंदिर मिल जाएंगे, इतने प्यारे प्यारे। और उनमें से एक ये भी है जो कि बहुत प्यारा मंदिर है। बाकी यार बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत सिनेमैटिक देख लिया। आई होप आप आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो बाकी फटाफट घर को भी जाना है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं घर को। फाइनली दर्शन करके हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे हम आधा एक घंटा बैठे भी थे, तो बहुत अच्छा लगा। चलना यार अब घर के लिए, और भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ना, तो फटाफट चलते हैं अब घर, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ा आगे। तो यही सब हो चुका है जाने का टाइम यहाँ से। तो चलते गाइस। तो यार फाइनली हम लोग मंदिर से नीचे आ चुके हैं, और हमने रास्ते पे एक वो छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने मैगी खाई और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी। बाकी यार ब्लॉग का आजकल ऐसे चल रहा भाई, बारिश के चक्कर में ब्लॉग नहीं बन पा रहे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ। 3-4 दिन बाद तो हमारे ब्लॉग आ ही जाएगा, बट ट्राई करूँगा कि 2 दिन बाद पक्का आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे पैर नहीं रुक रहे, ऊपर को जाने वक्त तो हो रही थी खतरनाक, बट अब ठीक। मौसम भी बढ़िया हो गया, मौसम बहुत बढ़िया छू मौसम बढ़िया छू गाइस। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा फिर? मौसम बहुत बढ़िया छू, यहाँ मौसम बहुत बढ़िया, बट गाइस देखो है प्यारा यार ये। तो यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सोमेश्वर के लिए, और हमें काफी अच्छा लगा यहाँ पे। आप लोग भी आओ सुनमल, बहुत अच्छा मंदिर है, और बहुत अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, बस जगह भी इतनी प्यारी है। तो यार घर तो हम पहुंच चुके थे, बस घर आके थोड़ा व्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज खुशी दिलोग जा रहे थे। एंड आज के व्लॉग में यही था कि हम सूर्य विटामल मंदिर गए थे, जो कि बहुत प्यारा मंदिर था, आप लोगों ने इसे देख लिया। अगर आप लोगों को किसी को जाना है ना, तो बहुत अच्छी जगह है भाई, वहाँ जा सकते हो आप लोग, बहुत, मैं तो कह रहा हूँ जाओ भाई, बहुत प्यारी जगह है। बाकी आजकल देखो गाँव में अब रुपए वाले सीन आ रहे हैं, तो रुपए के ब्लॉग भी दिखेंगे आपको। ये बताइए क्या है? ये बीज है धान का, तो पूरा खेतों में लगेगा ऐसे, समझ रहे हो? बाकी घर में काम चल रहा, तो तब मैं थोड़ा दूर आ रखा हूँ, बिकॉज वहाँ पे खचखच 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 हो रखी ना तब। बाकी अभी तो मैं फिलहाल जा रहा था घूमने ऐसी, एंड
ये वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट वाले ब्लॉग के लिए वेट करना, बहुत मस्त ब्लॉग आने वाला है। बाकी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय उत्तराखंड गाइस।